और सुनो प्यारे बहन भाइयों, कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खरीद से होंगे। लगा सबको खुश रखे, आबाद रखे, हमारी यही दुआ है। तो माशाल्लाह अभी टाइम हो रहा है 12 का, तो फैज़ आने वाला है। जब फैज़ आएगा तो चिल्लाने लग जाएगा कि अभी तक रोटी तैयार क्यों नहीं है। तो बच्चों को भी माशाल्लाह मैंने बना कर देनी थी, फैज़ भी आता है उसके लिए भी बनाती हूँ। जो जुड़े रही हमारी वीडियो के साथ, सालन भी मैंने अभी बना रही हूँ, सालन भी बना रही हूँ, और जो है मैंने तंदूर का बल वो भी मैंने घट दिया है। तो अभी मैं रोटियां बनाऊंगी, तो जुड़ी रही है हमारी वीडियो के साथ। फैज़ू भी आ गए काम से, तो मैंने इसको जो खाना वगैरह जो है इसने खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर करना। अब आपसे लेते हैं इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। अगली वीडियो में आपको दोबारा मिलेंगे, और जहाँ भी मेरे सब्सक्राइबर हों, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखिए, आमीन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़। फैज़ू अपना खुद लेने गया था सूट, ले आयो गहना दिखा, चिट्टा गहना कट्ठा की थी बता कपड़े। अच्छा ते पीछे कौन सी देसी ते कौन सवेरे ईद बाण पवे दा वाल भला कि नहीं वो समझी है वो आशा की जे एक दर्द के बीचम शेफ ही बनवा चा अपनी शेफ ही करवा चा सब भी सिलाई आ के 800 रुपया की तो मैं के मेरी चादर होंदी है लगन ये कदे वो आ के कमीज है चादर होंदी है मेरी सलवार तक नहीं होंदी। तू आ कितने पैसे क्यों गिन रे बाबा संग के फोन की कमी हो आ के तो मेरे होते या तक मैं तो मेरी ईद ई तसीद है सवा के मैं की सवेरे थी बने का वो के मैं तक सही जैसा। अच्छा आज मेरी बाल बनवा चा पीछे तैयारी करूं जुलू आएगा तो नसीब संत कोई